तिष्ठा करने होता अस्वीकार करने पर सियासत जारी है और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है सुनते हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात कहना चाहिए, कांग्रेस ने पहले राम मंदिर में अड़ंगे लगाए और प्राण प्रतिष्ठा का अपमान करके एक तरह से देश के बहुसंख्यक आबादी के साथ कांग्रेस ने उनकी भावनाओं का कुठाराघात किया है। कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए, वो ना आए तो ना आए, उसको सार्वजनिक रूप से एक तरह से वो ठुकरा करके उनने सभी हिंदुओं की भावनाओं के साथ बहुत बड़ा पाप किया है। देखिए, वैसे भी राम को श्रद्धा की दृष्टि से कांग्रेस ने कभी भी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि ये तो काल्पनिक है और रामचरितमानस भी काल्पनिक है, और इसलिए उनके लिए भगवान राम आस्था का केंद्र नहीं है। ये देश की जनभावनाओं का भी अपमान है और मैं समझता हूँ जनता इसका जवाब कांग्रेस को आने वाले चुनाव में भी देगी।